जिन्ना को लेकर चल रहा विवाद आजमगढ़ में डिप्टी सीएम के जाने के बाद भी जारी रहा। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक विधायक के बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों को एतराज है। इन लोगों का कहना है कि विधायक का बयान अशोभनीय है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर जिन्ना की फोटो नहीं हटी तो रविवार को वह लोग यहाँ से अलीगढ़ जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला इकाई रविवार को अलीगढ़ के लिए कूच कर सकती है। इनका कहना है कि यदि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर को नहीं हटाई गई तो उन लोगों द्वारा एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद के बयान के बाद आजमगढ़ ज़िले की भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला इकाई ने पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। नगर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सपा विधायक नफीस अहमद और एएमयू प्रशासन का पुतला फूंका। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने कहा कि एक विधायक ने जिस तरह आरएसएस पर अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है वह कहीं से जायज नहीं है। आज मैंने नफीस अहमद जो विधायक हैं यहाँ पे इतने बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने इतने अशब्दों का प्रयोग किया है कि सारे जो आरएसएस कार्यकर्ता हैं भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफ़ी आक्रोश है। हमने अपना आक्रोश पुतला फूंक कर व्यक्त किया यहाँ पे है। साथ ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने जिन्ना जी का जिन्होंने जिन्ना का फोटो लगाया है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी की सबसे अधिक मूर्तियाँ विदेशों में हैं भारत से ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी चौराहे या शिक्षा संस्था या कहीं भी उनकी मूर्तियाँ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक माना जाना शिक्षा संस्थान जहाँ लोग अच्छे अच्छे शिक्षाएँ ग्रहण करते हैं वहाँ पर जिन्ना जी का फोटो लगा हुआ है और वहाँ के छात्र संगठन जो आगे की राजनीति तय करते हैं वो वहाँ पे उनका समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है। अगर जल्द से जल्द उनकी तस्वीर नहीं हटाया गया तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आज हमने पुतला फूका है, कल हम यहाँ से कूच करेंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए और उनका छात्र संघ से तस्वीर निकाल के बाहर जूतों से पटक के उनका तस्वीरों में आग लगा देंगे हम लोग। फिर संबंध में बोला था कि आरएसएस वाले उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, मैं अपने जुबान से वो नहीं बोल सकता हूँ, दोगला शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। अगर वो अपना शब्द को वापस नहीं लेते हैं या मीडिया माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे।